आरएमएचएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। 15 अगस्त 1995 को लाल किले के प्राचीर से देश ने एक सपना देखा था। सरकार कुपोषण के शिकार लाखों बच्चों को प्यार के दो निवाले खिलाना चाहती थी। इसके अलावा मकसद बच्चों को सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाना था, लेकिन अरबों की योजना फेल साबित हुई। कागज की कटोरियों में योजना की खिचड़ी परोसी जाने लगी। खामियां इस योजना की पहचान बन गई। राशन में धांधली और खाने में मिलावट रूटीन बन गए। यही वजह है मिड डे मील योजना सवालों के घेरे में है। और घूम फिर कर सवाल यही है, 13,324 करोड़ रुपए की खिचड़ी का स्वाद फीका क्यों है? 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना छात्रों के लिए परोसी गई थी। मकसद यही था, गरीब वर्ग के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में लाया जा सके। इसी मिशन के साथ देश के 13 लाख स्कूलों में इस योजना को चलाया गया है, जिससे 12 करोड़ छात्रों को फायदा मिला है। इस योजना के तहत बच्चों को खाने में रोजाना 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन देने की योजना थी। 2008 में मिड डे मील योजना का दायरा बढ़ा दिया गया। इस योजना में सरकारी स्कूल, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के अलावा मदरसों को भी शामिल किया गया। इस वक्त 26 लाख रसोइये मिड डे मील पका रहे हैं। इस योजना के लिए 2007 के बजट में 7,324 करोड़ रुपए का प्रावधान था। 2013 और 14 में इस रकम को बढ़ाकर 13,215 करोड़ रुपए कर दिया गया। शुरुआत में इस योजना के तहत बच्चों को एक महीने के अंतराल में कच्चा अनाज दिया जाता था, लेकिन 28 नवंबर 2002 को कोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चों को योजना के तहत पका भोजन दिया जाए। यही वजह है अब सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर खिचड़ी परोसी जा रही है। लेकिन कुछ स्कूलों में खाने का मेन्यू बढ़ाया गया है, लेकिन घूम फिर कर सवाल यही है, 13,324 करोड़ रुपए की खिचड़ी का स्वाद फीका क्यों है? और क्यों इतनी महंगी योजना फेल साबित हुई है? इतना पैसा गरीब वर्ग के बच्चों को वजीफा के तौर पर दिया जा सकता है? ऐसे में इस योजना की आज पूरी पड़ताल करेंगे और देखेंगे हरियाणा में इस योजना से शिक्षा के कितने मायने बदले हैं। सवाल यह भी है, अरबों रुपए की रकम छात्रों के कितने काम आई है? सिस्टम की कसौटी पर सवाल बेहद गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। मिड डे मील योजना के तहत मौत बांटी जा रही थी, लिहाजा पूरा देश अलर्ट है और हर सूबे में शिक्षा मंत्री सचेत दिखाई देते हैं। वजह यही है, मामला गर्मा रहा है। ऐसे में कोई अनहोनी हुई तो जवाब कौन देगा? हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल को भी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। यही वजह है गीता भुक्कल स्कूल दर स्कूल जाकर औचक दौरा कर रही है। उन्होंने अंबाला के एक स्कूल में भी मिड डे मील योजना का जायजा लिया है। इस स्कूल में बच्चों के लिए कढ़ी चावल बनाए गए थे। गीता भुक्कल ने प्लेट में रखकर कढ़ी चावल का जायका टेस्ट किया, लेकिन मंत्री जी इस खाने का असल स्वाद नहीं बता पाई। बिहार के छपरा में मिड डे मील योजना हत्यारी साबित हुई है। छपरा में मिड डे मील योजना की वजह से 28 लोगों की मौत हुई है, तो मधुबनी में भी दोपहर का भोजन एक बच्चे के लिए मौत लेकर आया। बिहार के कई जिलों में मिड डे मील योजना में खामी की बात सामने आई है और बड़ी संख्या में बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मिड डे मील योजना के तहत मौत बांटी जा रही है, लिहाजा अब पूरा देश अलर्ट है और हर सूबे में शिक्षा मंत्री सचेत दिखाई देते हैं। वजह यही है, मामला गर्मा रहा है। ऐसे में कोई अनहोनी हुई तो जवाब कौन देगा? बिहार में हुए कांड से हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की भी नींद टूट गई है, लिहाजा मंत्री जी को भी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। यही वजह शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल अब सरकारी स्कूलों का औचक दौरा कर रही हैं। उन्होंने अंबाला के एक स्कूल में मिड डे मील योजना का जायजा लिया। इस स्कूल में बच्चों के लिए कढ़ी चावल बनाए गए थे। गीता भुक्कल ने प्लेट में रखकर कढ़ी चावल का जायका टेस्ट किया और कढ़ी चावल के स्वाद की जमकर तारीफ की। ये बहुत से स्कूलों में, कल जैसे मैंने कुछ झज्जर के स्कूल विजिट किए, आज अभी आते हुए घरौंडा का स्कूल विजिट किया है, इधर अंबाला के स्कूल देखा है। कुछ तो रैंडम चेकिंग ये कि हमारे नए अभी स्कूल खुले हैं छुट्टियों के बाद में, थोड़ा सा टीचर्स के अटेंडेंस का है, बाकी चाहे फर्नीचर का है,
बुक्स को लेकर कहीं बात थी और विशेष तौर से मिड डे मील को लेकर जो बहुत दुखदायी घटना बिहार में हुई है उसके बाद हमारी अपनी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसकी मॉनिटरिंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, क्योंकि हमारा जितना भी अनाज आता है कोशिश रहती है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हम बच्चों के लिए भेजें। इसके लिए हमने मिड डे मील के लिए वर्कर्स भी अलग से लगाए हुए हैं, मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, हेल्पलाइन की व्यवस्था है। मंत्री जी के मुताबिक किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे में अधिकारियों को सचेत रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। स्कूल में विजिट किया तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर बड़ी अच्छी क्वालिटी का खाना जो है कढ़ी चावल यहाँ पर बना है, और दूसरा बड़े प्रॉपर तरीके से। ये डिपेंड करता है स्कूल के हेड के ऊपर कि वो कितनी समझदारी से उसको करते हैं, क्योंकि किचन इनकी छोटी पड़ रही थी तो उन्होंने रूम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए बर्तनों की संख्या शुला है, वहीं पर खाना बन रहा है, और जो बिन्स और स्टोरेज का है बड़े अच्छे ढंग से किया हुआ है। आज स्टेट लेवल के सभी ऑफिसर्स की मीटिंग की थी, उसके बाद हमने सभी हमारे जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो दफ्तरों में बैठने ही बजाय प्रॉपर तरीके से स्कूलों में जाएं, मॉनिटरिंग करें, अगर कहीं कोई कमी है तो बताएं ताकि हम उसको दूर करें। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल को योजना से ज्यादा कुर्सी का डर है, कोई भी अनहोनी मुश्किल बन सकती है। यही वजह बिहार से सबक लेकर गीता भुक्कल अधिकारियों को फटकार रही हैं, ताकि किसी भी आशंका को टाला जा सके। तरुण कपूर, MH1 न्यूज, अंबाला। शिक्षा मंत्री पहली बार इतनी सजग नजर आई हैं। उन्हें अब छात्रों की पढ़ाई लिखाई से भी सरोकार है और दोपहर के भोजन पर भी अब गीता भुक्कल नजर रख रही हैं, ताकि उनकी कुर्सी पर किसी भी तरह की कोई आंच ना आए। यही वजह है उन्होंने घरौंडा के सरकारी स्कूल में भी मिड डे मील योजना के खाने का जायका लिया और स्कूल प्रशासन को पूरी तरह सावधान रहने के निर्देश भी दिए। हरियाणा में मिड डे मील योजना फेल साबित हुई है। करोड़ों रुपए की योजना से धांधली की खिचड़ी पकाई गई है, जिसे करप्शन की कटोरी में परोसा जा रहा है। मिड डे मील योजना की इस बदहाली से शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल भी अनजान नहीं है, और बिहार में हुई त्रासदी से उन्हें जवाबदेही का डर सता रहा है। यही वजह शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने करनाल के घरौंडा में सरकारी स्कूल का अचानक दौरा किया। उनके इस दौरे से स्कूल में हर कोई हैरान था। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने मिड डे मील योजना के खाने का स्वाद चक्कर देखा और स्कूल प्रशासन को पूरी तरह सावधान रहने के निर्देश दिए। मिड डे मील जो है हमारी बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना दें, ताकि बच्चे जो है स्कूलों में उनकी संख्या भी बढ़े, साथ साथ में गरीब बच्चों को विशेष तौर से ये खाना सभी के लिए मुफ्त में दिया जाता है। तो उसके लिए भी मेरा यहाँ की मैंने किचन और जो स्टोर है वो चेक किए हैं और क्वालिटी अच्छी है, और हम कोशिश करेंगे जो जो भी रिक्वायरमेंट्स स्कूलों की तरफ से लिखी गई हैं उनको समय रहते पूरा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट भी 0/0 साबित हुआ है, लिहाजा उन्होंने लगे हाथ अध्यापकों की क्लास लेना भी शुरू कर दिया और क्लासरूम में बच्चों के हाथ में कुंजी देखकर अध्यापकों पर सवाल उठा दिए। हमारी जो एक कमिटमेंट है कि हम बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दें, हमारी टीचरों की भर्ती प्रक्रिया इस समय चल रही है, कोर्ट पे इस पर अभी फिलहाल स्टे किया हुआ है, और जो शॉर्टेज है उसके तहत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी अप्रूवल ले ली है कि जो रिटायर्ड टीचर्स का पूल है हम उसको जो हमारी चाइल्ड केयर लीव की वजह से या मैटरनिटी लीव की वजह से जो लॉन्ग लीव हैं या एक्सीडेंट्स की वजह से जो लॉन्ग लीव हैं उस पर हम लोग रेगुलर टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। शिक्षा मंत्री पहली बार इतनी सजग नजर आईं, उन्हें अब छात्रों की पढ़ाई लिखाई से भी सरोकार है और दोपहर के भोजन पर भी गीता भुक्कल अब निगरानी रख रही हैं, ताकि उनकी कुर्सी पर कोई आंच ना आए। अवनीश गोयल, MH1 न्यूज, करनाल।